ओम शांति। आज की तारीख है 26/2/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा, जो कि हमें विषय विकारों से मुक्त करके तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान बना करके ले जाते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि मीठे बच्चे अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और ये तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? सभी ध्यान से इसका जवाब सुने, क्योंकि जीवन के अंदर जब किसी बातों की कठिनाई आती है, समस्याएं आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, या फिर असहनीय बातें कर्म भोगना के रूप में या संबंध या संबंधियों के रूप में जब सामने आती हैं, तो जो कार्य हम करना चाहते वो नहीं कर पाते, जो संबंध निभाना चाहते वो नहीं निभा पाते, जो सहन करना चाहते वो नहीं सह पाते, और फिर जीवन के अंदर जब कभी ऐसे कठिन घड़ियां आती हैं, फिर ऐसी भी कभी घड़ियां जीवन के अंदर आती हैं कि अकेले हो जाते, एकांत में ही समय व्यतीत करना होता, कोई आसरा नहीं, सहारा नहीं, आधार नहीं, तो ऐसे समय पर निराश हो जाते, उदास हो जाते, हताश हो जाते, तो फिर क्या होता है, संकल्प चलते हैं कि इससे तो जीवन ही समाप्त हो जाए, अर्थात जीवन जीने की जो इच्छा है, जो रुचि है, वो निकल जाती है। तो बाबा भी हमें यही बात समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है, इसकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज भी सुनते रहेंगे और यहाँ जितने दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब भी चुकतू होते रहेंगे। अच्छा, गीत बजा है, ओम नमो शिवाय, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही हमारे एक सहारे हो। मुरली की शुरुआत ओम शांति, शिव भगवानु वाच ब्रह्मा बाबा के द्वारा। आज गुरुवार है, तुम बच्चे कहेंगे सत गुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है, सत्य नारायण की कथा भी सुनाते हैं प्रैक्टिकल में, नर से नारायण भी बनाते हैं, गाया भी जाता है सर्व का गति सदगति दाता, फिर वह वृक्षपति भी है, तो ये सारी महिमा किसकी हुई, हमारे प्रिय अति प्रिय प्राणेश्वर परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने भी महिमा की कि वो हमारे क्या क्या हैं। तो बाबा कहते हैं ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है, फुल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल के रख देते हैं, फिर वापस लगाते हैं तो फिर फूल खिलने लगते हैं, फूल निकल पड़ते हैं। कि अब ये तो बच्चे जानते हैं कि बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं, भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं, बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे,
अब ये तो बच्चे जानते हैं कि बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। तो आधा कल्प माना बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स की स्थापना करेंगे? बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स की स्थापना करेंगे? क्योंकि दशाएं तो बहुत होती है ना, वृक्षपति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती है। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है, चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाप भी कहते हैं कि ये पांच विकारों का दान दे दो तो माया का छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, पांच तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है, नई को सतो प्रधान और पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चों को भी सतो प्रधान महात्मा से भी ऊंचा गिना जाता है, क्योंकि उनमें पांच विकार नहीं रहते। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं, जैसे राम तीर्थ कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास। सृष्टि पर पवित्रता भी तो चाहिए ना। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थ के आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं, फिर नए सिर बनने शुरू होते हैं, डिस्ट्रक्शन जरूर होता है। अब ये बाबा ही जानते हैं कि सृष्टि का आदि मध्य अंत कैसे होता है, और जो आदि में था वो फिर मध्य में क्यों नहीं रहता है और अंत में बिल्कुल खत्म हो जाता है, सिर्फ यादगार रह जाते हैं, तो फिर से वो कैसे स्थापन होता है। तो ये सारी बातें एक शिव बाबा जो कि त्रिकालदर्शी हैं, ज्ञान के सागर हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जो जानते हैं, वही बाबा करके हम बच्चों को बताते हैं। तो डिस्ट्रक्शन भी बाबा कहते हैं जरूर होता है, जैसे नई दुनिया स्थापन होती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होता है। उपद्रव होते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है, इस समय सब पतित हैं। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही हैं सतयुग में, अब वहाँ लड़ाई कैसे हो सकती है? संगम पर तो देवताएं होते नहीं, तुम्हारा नाम ही है पांडव। पांडव कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं। अब ये सब बाबा कहते हैं अयथार्थ बातें, गपोड़े हैं। कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथाह पत्ते हैं, अब उनका हिसाब थोड़े ही कोई बैठ निकाल सकते। संगम पर तो देवताएं होते नहीं, बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही सुनकर कांधे हिलाती है, हम आत्मा हैं और बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब ये पक्का करना है, बाबा हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा ही कहती है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। कहते हैं हमको भी ऑर्गन्स चाहिए, नहीं तो मैं कैसे समझाऊं? आत्मा को खुशी होती है कि बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं हमको सुनाने। तुम तो सामने बैठे हो ना, मधुबन की ही महिमा है। आत्माओं का बाप तो वो है ना, तो सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहाँ सन्मुख बैठने में मजा आता है,
परंतु यहाँ सब तो नहीं रह सकते, अपनी कारोबार सर्विस आदि को भी तो देखना है। आत्माएं सागर के पास आती हैं, धारण कर फिर जाए औरों को सुनाना है, नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है कि हम जाकर औरों को भी समझावे। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना, भगवानुवाच है। भगवानुवाच कृष्ण के लिए नहीं कह सकते, वो तो है दैवी गुण वाला मनुष्य, डिटिज्म कहा जाता है। अब बच्चे ये तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, उसकी स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं, नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि में पड़ नहीं सकता है, इसमें देवताएं आ न सके। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर को कितना साफ कर देते हैं। अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है, सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य क्या मांगते हैं? धन ही मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी? अब बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी। अम्बा के मंदिर भी बहुत हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक और जगदम्बा जिसको सरस्वती भी कहते हैं, वही जगदम्बा फिर जाकर ये लक्ष्मी बनती है। तो तुम्हारा पद ऊंचा है, देवताओं का पद कम है। ऊंचते ऊंच तो ब्राह्मण चोटी है ना, तुम हो सबसे ऊंच, तुम्हारी महिमा है। सरस्वती जगदम्बा उनसे क्या मिलता है? सृष्टि की बादशाही, वहाँ तुम धनवान बनते हो। ये कहाँ की बात बता रहे हैं बाबा? सतो प्रधान सतयुग की। वहाँ तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है, फिर वापस गरीब बनते हो, भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर लक्ष्मी को याद करते हैं, हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती है, लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं। जगदम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते, जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती ही है, जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में आ जाए। यहाँ भी जब चाहो जगदम्बा से मिल सकते हो। तुम भी जगदम्बा हो ना, सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। जगदम्बा के पास सब कुछ जाकर के मांगते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे। तो सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है, जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो और बाप तुम्हें वर्षा देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती हैं। कामना तो मनुष्य को ही रहती है ना, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है। ये तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं। तुम बच्चों को तो साक्षात्कार भी कराया जाता है कि सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है। वहाँ तो सब कायदे सिर होता है, दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहा ही जाता है सुख धाम। तुमने अनेक बार सुख में पास किया है, अनेक बार हार भी खाई है और जीत भी पाई है। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। वहाँ कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे
मैनर्स नहीं सीखने हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उनकी ही गाते हैं जो सर्वगुण संपन्न, तो अभी तुमको ऐसा श्री बनना है। तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए। सभी ने नोट किया, तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है, इनकी संभाल भी करनी होती है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी में भी नॉलेज सुन सकते हैं, बाप को याद भी कर सकते हैं। यहाँ जितना दिन जिएंगे खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। बच्चे कहते हैं कि बाबा सतयुग कब आएगा, ये बहुत अभी गंदी दुनिया है। बाप कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को भी सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो, ये है अव्यभिचारी याद। एक शिव की भक्ति करना, ये है अव्यभिचारी भक्ति, सतोप्रधान भक्ति। फिर देवी देवताओं को याद करना है, भक्ति भी है उनकी सतो। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। बच्चे ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड। ये आत्मा ने कहा कि बच्चे याद करते हैं और बाप भी स्मृति दिलाते हैं कि तुम याद करते आए हो कि हे दुख हरता सुख करता आओ, आकर दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो और शांति धाम में ले जाओ। बाप कहते हैं तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ, साथ मैं अभी ही देता हूँ। सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ, मेरा अभी पढ़ाने का साथ है और फिर वापस घर ले जाने का साथ है। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूँ। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहाँ प्रारब्ध पाएंगे। अब समझ तो बाप बहुत देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है, आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। ये अब किसी को भी पता नहीं कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। ना आत्मा का किसको परिचय है, ना ही परमात्मा का परिचय है। तब बाप कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी जान नहीं सकता है, मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ कि आत्मा क्या है, वह भी बताता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, कहते भी हैं कि भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। परंतु आत्मा क्या चीज है ये बिल्कुल कोई नहीं जानते हैं। जब कोई कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ कि तुम तो कहते हो भ्रुकुटी के बीच में स्टार है, तो स्टार को क्या देखेंगे, टीका भी स्टार का ही देते हैं, चंद्रमा में भी स्टार दिखाते हैं, वास्तव में आत्मा है स्टार। अभी बाप ने समझाया है तुम ज्ञान सितारे हो, बाकी वह सूर्य चांद सितारे तो मांडवे को रोशनी देने वाले हैं, वो कोई देवताएं नहीं है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं, भक्ति मार्ग में ये बाबा भी सब करते थे।
हाँ, ये ब्रह्मा बाबा अपनी बात बताते हैं कि बाबा भी सब करते थे। सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः कहकर पानी देते थे। ये सब है भक्ति मार्ग। इसने तो बहुत भक्ति की हुई है। नंबर वन पूज्य तो फिर नंबर वन पुजारी भी बने हैं। नंबर तो गिनेंगे ना, रुद्रमाला के भी तो नंबर है। भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति इसने की है। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। अब बाप कहते हैं, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं, यानी पुरानी दुनिया में आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं कि प्रलय हुई, जलमयी हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया, तो बाप समझाते हैं सागर की कोई बात नहीं, वहाँ तो गर्भ महल है जहाँ बच्चे बहुत सुख में रहते हैं। यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है, पापों की भोगना गर्भ में ही मिलती है। फिर भी बाप कहते हैं, मन मना भव, मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं, सीढ़ी में और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए हैं? प्रदर्शनी में कई जब सीढ़ी समझाते हैं तो सीढ़ी देखते हुए कहते हैं कि उसमें और धर्म क्यों नहीं दिखाए हैं? बोलो, औरों के 84 जन्म तो है नहीं, तो सब धर्म जाड़ में दिखाए हैं। इससे तुम अपना हिसाब निकालो कि कितने जन्म लिए होंगे। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाए हैं। इनमें सब बातें समझाई हैं। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है ना कि लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है, तो बाप कितना सहज कर समझाते हैं। सभी को यही बताओ कि 84 का चक्र ऐसे फिरता है। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो बेहद के बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, और फिर पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं है, जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की टेव पड़ जाएंगी। बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। देखो बाबा कितनी हिम्मत देते हैं, कितना हमें विश्वास दिलाते हैं कि आत्म अभिमानी होकर के यदि हम चलेंगे तो दिल्ली तक भी चले जाएं, थकावट नहीं होगी। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। सभी ने ये बात नोट की, सच्ची याद होगी तो देह भान टूट जाएगा और फिर थकावट हो नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें। नंबर एक, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहकर देह भान को खत्म करना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। नंबर दो है, ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। बाप ने जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। पांच विकारों का दान दे राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान है आज का, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव।
समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए परंतु वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो, ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वो सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। अभी हम सुनेंगे स्लोगन। तो स्लोगन है, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी आ न सके। ओम शांति।